नमस्कार, मैं हूं विभोर श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ का स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल। साउथ अफ्रीकी फैंस के लिए वर्ल्ड कप से पहले एक बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है। साउथ अफ्रीकी टीम के तेज गेंदबाज डेल स्टेन और कगिसो रबाडा की इंजरी में तेज़ी से सुधार हो रहा है और वो जल्द टीम के साथ जुड़ने वाले हैं। जी हाँ, साउथ अफ्रीकी टीम के कोच ओटिस गिब्सन ने इस बात की पुष्टि करते हुए कहा है कि डेल स्टेन और कगिसो रबाडा की इंजरी में तेज़ी से सुधार हो रहा है और वो जल्द टीम के साथ जुड़ेंगे। और इतना ही नहीं, उन्होंने यहाँ तक कहा है कि ये दोनों ही तेज गेंदबाज वर्ल्ड कप टीम में ही खेलते हुए दिखाई देंगे और इंग्लैंड के खिलाफ 30 मई से जो पहला मैच शुरू हो रहा है वर्ल्ड कप का, उसमें भी वो टीम में शामिल होंगे। जाहिर सी बात है कि इसके साथ ही न सिर्फ कोच और साउथ अफ्रीका का मैनेजमेंट बल्कि वहाँ का फैंस और इन दोनों क्रिकेटर्स को पसंद करने वाले लोग जो हैं वो भी काफ़ी जो है वो इस चीज़ से खुश हुए हैं। आपको बता दें कि साउथ अफ्रीका का पहला मैच इंग्लैंड के साथ 30 मई को होगा और उसके बाद 2 जून को बांग्लादेश के साथ और 5 जून को भारत के साथ मुकाबला होगा। जाहिर है कि इन दोनों के वापस टीम में जुड़ने से इन साउथ अफ्रीकी टीम को बहुत मजबूती मिलेगी। कगिसो रबाडा और डेल स्टेन की अगर हम बात कर रहे हैं और तो इन दोनों ही तेज गेंदबाजों का आईपीएल में प्रदर्शन बेहद शानदार रहा था। अगर हम बात करें कगिसो रबाडा की तो आईपीएल सीज़न 12 में उन्होंने बेहद शानदार तरीके से गेंदबाजी की थी और 12 मैचों में करीब 25 विकेट हासिल किए थे और एक समय वो पर्पल कैप की रेस में नंबर 1 थे। हालांकि उन्हीं के देश के एक और गेंदबाज इमरान ताहिर ने उन्हें इस लिस्ट में पछाड़ दिया और पर्पल कैप वो ले उड़े। वहीं अगर बात करें डेल स्टेन की तो वो आईपीएल में आरसीबी में जुड़े थे और वो जिस खिलाड़ी के रिप्लेसमेंट पर जुड़े थे वो था ऑस्ट्रेलिया का खिलाड़ी नाथन कुल्टर नाइल। इंजरी की वजह से नाथन जो है वो लीग आईपीएल छोड़ के स्वदेश वापस लौट गए थे और आरसीबी ने डेल स्टेन को अपनी टीम में जोड़ा। डेल स्टेन ने ज़्यादा मैचेस तो नहीं खेले, 2 मैच खेले, लेकिन उन 2 मैचों में उन्होंने जिस तरीके से टोटल चार विकेट निकाले वो कहीं ना कहीं एक मोमेंटम उसने दे दिया था आरसीबी को, जिससे वो जो है जीत के ट्रैक पर वापस आ गए थे और एक आरसीबी की जो कमज़ोर कड़ी मानी जा रही थी उनकी गेंदबाजी उसमें कहीं ना कहीं धार दिख रही थी। तो जाहिर सी बात है ये दोनों तेज गेंदबाज जो कि आईपीएल में अपनी अपनी टीम की जान कहे जा रहे थे, इंजरी की वजह से जो है वो स्वदेश वापस लौटे। चूँकि अब वो काफ़ी ठीक हो गए हैं, उनकी इंजरी काफ़ी सही हो गई है, तो पूरी उम्मीद है जिस तरीके से वो उनकी रिपोर्ट्स आई हैं साउथ अफ्रीका क्रिकेट के पास और बहुत जल्द वो वापसी करते हुए नजर आएंगे, तो उम्मीद है कि जिस तरीके से उन्होंने आईपीएल में परफॉर्म किया है वैसा ही वो परफॉर्म वर्ल्ड कप में भी अपनी टीम की तरफ से खेलेंगे। तो इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, आप अपनी राय दे सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी बात कहनी है, आपको क्या लगता है कि इन दोनों के टीम में शामिल होने से कितना एडवांटेज होगा साउथ अफ्रीकी टीम को, इस बारे में आप क्या सोचते हैं, इसके बारे में भी आप अपनी राय दे सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक कर सकते हैं और इंडिया न्यूज़ के स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।